गुड आफ्टरनून, मेरा नाम हिमालय परमार है और मैं रिटेक हुंडई में एज अ सिग्नेचर सेल्स कंसल्टेंट जॉब करता हूँ। आज मैं आपको हुंडई की एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सबको पता होगा, रिसेंटली हुंडई ने क्रेटा लॉन्च किया था एंड क्रेटा के तुरंत ही बाद हमने एक न्यू क्रेटा एन लाइन व्हीकल लॉन्च किया है। एन लाइन की अगर हम बात करें तो एन लाइन कार को और भी ज़्यादा स्पॉटी बनाता है। लाइक अगर मैं एन लाइन की हिस्ट्री की बात करूँ तो एक नामियांग करके सिटी है जहाँ पे एन शेप में एक रेसिंग ट्रैक है, उससे इंस्पायर होकर ये एन सीरीज हुंडई ने लॉन्च की है। तो आइए हम बात करेंगे न्यू हुंडई क्रेटा एन लाइन के बारे में। तो यह है न्यू हुंडई क्रेटा एन लाइन N10 DCT मॉडल। तो आइए मैं आपको सबसे पहले कार के फ्रंट लुक के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो ये जो फ्रंट न्यू ब्लैक क्रोम रेडियर ग्रिल आपको मिल जाएगी, जो अपने नॉर्मल क्रेटा है उससे टोटली डिफरेंट लुक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी, हुंडई का लोगो आपको मैट फिनिश में मिलेगा एंड फ्रंट पार्किंग जो कैमरा है वो भी लोगो के अंदर ही एडजस्ट किया हुआ है, सेट किया हुआ है। तो ये कार को फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा स्पॉटी बनाती है एंड एकदम मस्कुलर लुक लगता है व्हीकल का। उसके अलावा मैं और फीचर्स की अगर आपको बात करूँ तो यहाँ पे आपको LED हॉरिजॉन्टल DRL लाइट्स विथ पोजिशनिंग लैम्प आपको मिल जाएगी। वो वर्क कैसे करेगा, जब भी आपका व्हीकल आप ऑन करोगे तो यहाँ पे DRL लाइट्स है वो ऑन हो जाएगी, वाइट DRL लाइट्स एंड यहाँ पे पोजिशनिंग लाइट भी है, आप वो भी ऑन करोगे तो ऐसे पूरा कनेक्टेड DRL लाइट्स एंड पोजिशनिंग लाइट दिया हुआ है, जो गाड़ी को और भी ज़्यादा बेहतरीन लुक देता है। उसके अलावा ये जो टर्न इंडिकेटर है वो भी सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल मतलब जब भी आप टर्न इंडिकेटर चालू करोगे तो ऐसे पूरा फ्लोटिंग होगा, तो कार को और भी ज़्यादा स्पॉटीनेस स्पॉटी बनाएगा ये। उसके अलावा इसके हेडलाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्वाड बीम LED हेडलाइट्स दी जाती है। यहाँ पे आपको क्वाड बीम LED हेडलाइट्स मिल जाएगी जो रोड प्रेजेंस को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएगी एंड पार्किंग सेफ्टी को एनहांस करने के लिए यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया न्यू हुंडई क्रेटा एन लाइन है, तो यहाँ पे आपको एन लाइन का बेजिंग भी मिल जाएगा, तो आपकी गाड़ी बाकी व्हीकल्स से एकदम यूनिक लगेगी, अलग लगेगी। तो ये हमने कुछ बात की फ्रंट के फीचर्स के बारे में, लुक के बारे में। तो आइए अभी हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड लुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको एन लाइन का लोगो मिल जाएगा एंड कार को और भी ज़्यादा स्पॉटी बनाने के लिए इसके जो ORBMs है वो भी ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ दिए गए हैं, जो कार को और भी ज़्यादा स्पॉटी बनाते हैं। यहाँ पे आपको 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 18 इंच है अलॉय व्हील्स, तो गाड़ी को और भी ज़्यादा बेहतरीन ड्राइव आप कर सकते हो और गाड़ी को और ज़्यादा स्पॉटी बनाने के लिए यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक के जो कैलिपर्स है, चारों के चारों डिस्क ब्रेक के कैलिपर्स को रेड किया हुआ है, तो नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा एक स्पॉटी फील देगा आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया एन लाइन गाड़ी है तो यहाँ पे आपको रेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं, जो गाड़ी को बाकी गाड़ियों से अलग एक यूनिक लुक प्रोवाइड करते हैं। आइए हम बात करते हैं अभी रियर सीट के बारे में। अगर रियर सीट की हम बात करें, ये आगे वाला सीट एकदम पीछे की हो फिर भी आपको यहाँ पे लेग स्पेस अच्छा मिल जाएगा। अंदर की बात करें तो यहाँ पे विंडोज में आपको इनबिल्ट सनशेड मिल जाते हैं, ऑल ब्लैक इंटीरियर है, डोर ट्रिम से लेके अंदर का पूरा इंटीरियर ब्लैक दिया गया है एंड अंदर आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो रियर AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे विथ चार्जिंग पावर आउटलेट एंड रियर जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल रहेंगे, कुशंस भी आपको इनबिल्ट मिल जाएंगे एंड रियर सीट 2-स्टेप रिक्लाइन भी आप इजीली कर सकते हो। तो क्रेटा में आपको एन लाइन के अंदर फंक्शन के बारे में और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का नीड नहीं है।
कार को एनलाइन एन टेन वेरियंट है, जिसमें आपको फुल ब्लैक इंटीरियर मिल जाएगा विद रेड इंसर्ट्स। ड्राइवर साइड की सीट भी आपको 8-way पावर एडजस्टेबल सीट रहेगी, जो आप इजीली स्विच के थ्रू ही सीट को एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आपको स्टीयरिंग 3-spoke स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, जो विथ थ्रेड स्टिचिंग के साथ तो गाड़ी को और भी ज़्यादा एक स्पोर्टी फील देगा। ऑटोमेटिक कार है, यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाएंगे, तो जो एक गाड़ी को और ज़्यादा स्पोर्टी फील देगा। एंड स्टीयरिंग माउंटेड सारे ऑडियो एंड वॉइस के एंड क्रूज के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। आइए हम आपको अंदर की बात करें तो 10.25 इंच का लार्ज आपको डिजिटल इंफोटेनमेंट क्लस्टर एंड डिजिटल टचस्क्रीन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ सब कुछ आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। एंड आपको फ्रंट कंसोल की अगर हम बात करें तो ये डीसीटी मॉडल है, बहुत ही एकदम स्पोर्टी आपको एन लोगो के साथ गियर नॉब दिया गया है। ये पूरा कंसोल ऐसे कनेक्टेड है तो गाड़ी को एक और भी ज़्यादा बेहतरीन एंड स्पोर्टी लुक देगा। यहाँ पे आपको सीट के वेंटिलेशन को भी ऑपरेट करने के स्विच यहाँ पे दी गई है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगी विथ ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, तो बार बार आपको हैंडब्रेक खींचने का नीड नहीं है, डायरेक्ट आप स्विच के थ्रू ही आप इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक को यूज़ कर सकते हो। आपके ड्राइविंग को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पे आपको ड्राइव के एंड ट्रैक्शन के अलग अलग मोड्स भी दिए गए, जैसे कि स्नो मोड है, सैंड मोड है, मड मोड है, तो आप रोड के सरफेस के हिसाब से भी मोड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ड्राइव के भी अलग अलग मोड है लाइक एंड इसका स्टीयरिंग की ओर पे बात करूँ तो आपको स्टीयरिंग भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वैसे एडजस्ट आप कर सकते हो। एंड एनलाइन ये क्रेटा की अगर बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल जोन FATC मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाएगा, ड्राइवर के लिए भी अलग एंड को ड्राइवर के लिए भी अलग। मान लो कि मुझे चाहिए 20 का टेम्परेचर एंड मेरे बाजू में को बैठा है उनको चाहिए 22 का टेम्परेचर, तो हम दोनों अपने कंफर्ट के हिसाब से टेम्परेचर अलग अलग इंडिविजुअल सेट कर सकते हैं ड्यूअल जोन FATC के थ्रू। एंड इसमें आपको ब्लूलिंक के बहुत सारे फीचर्स है, लाइक मोबाइल के थ्रू ही आप गाड़ी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो, कार को लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो। एंड कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको मिरर के ऊपर भी दी गई है स्विचेस, जैसे कि SOS, RSA एंड ब्लूलिंक। अभी वो कब काम में आएगा, फर्स्ट तो है SOS। SOS मतलब इमरजेंसी के लिए, इनकेस अगर कार में कोई पैनिक सिचुएशन आ गई है आपको इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, तो सिर्फ ये SOS का स्विच दबा देना है, गाड़ी से ही आपको कॉल लग जाएगा। सेकंड स्विच है रोड साइड असिस्टेंट RSA का स्विच, अगर आपकी गाड़ी कहीं पे ब्रेक डाउन होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये स्विच प्रेस कर दे रही है, गाड़ी से ही RSA कॉल सेंटर में कॉल लग जाएगा, वो आपकी लोकेशन को ट्रैक करके तुरंत ही आपका कॉन्टैक्ट करके आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। एंड ब्लू लिंक के अंदर टोटल 70+ अलग अलग फीचर्स है, एडवांस कनेक्टेड फीचर्स है, तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि जिसको यूज करने में आपको कुछ क्वेरी आ रही है तो डायरेक्ट आप यहाँ तीसरा नंबर का स्विच दबा के ब्लू लिंक के कॉल सेंटर में भी बात कर सकते हो डायरेक्ट, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस वाला फीचर है। उसके अलावा हुंडई टेक्नोलॉजी में बहुत ही बिलीव करते हैं, आपको टेक्नोलॉजी में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, लाइक लेटेस्ट आपको वायरलेस फोन चार्जर है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक कनेक्टेड फीचर्स, तो वो सब कुछ आपको क्रेटा एनलाइन में मिल जाएगा। तो और मैं आपको बताऊँ तो सेफ्टी के बारे में भी हुंडई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जैसे कि सेफ्टी की अगर हम बात करें तो 6 airbag स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरियंट्स। न्यू हुंडई क्रेटा एनलाइन में 42 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स एंड 70+ ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट की किसी भी व्हीकल पर नहीं आता है। सेफ्टी की मैं बात करूँ तो 6 airbag है, ABS, EBD, हिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, जैसे बहुत ही सारे एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स क्रेटा एनलाइन में दिए गए हैं। सेफ्टी को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए आपको हुंडई स्मार्ट सेंस मतलब ADAS लेवल 2 दिया गया है हुंडई क्रेटा एनलाइन के N10 वेरियंट के अंदर। ADAS के अंदर यहाँ पे एक कैमरा है ADAS का, इसके अलावा फ्रंट बम्पर में यहाँ पे एक ADAS का कैमरा मिल जाएगा आपको, फिर फ्रंट बम्पर में एक रडार एंड रियर में 2 रडार लगे हुए रहते हैं।
जो कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको जैसा एग्जांपल दूं। अडास की मैं बात करूं तो इसमें आपको मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे एक अडास का कैमरा है, उसके अलावा यहाँ पे अंदर की ओर एक रडार भी लगा हुआ रहता है एंड रियर में भी एक दो रडार लगे हुए रहते हैं। अभी अडास वर्क कैसा करता है, मान लो कि आप ड्राइव कर रहे हो और आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट मीन्स मान लो कोई व्हीकल आ गया, कोई साइकिलिस्ट आ गया या फिर कोई पेडेस्ट्रियन है, तो आपका व्हीकल पहले आपको वॉर्न करेगा एंड अगर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते हो तो गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देगी ऑटोमेटिकली, तो इम्पैक्ट होने के चांसेस को बहुत ही कम कर देगी। उसके अलावा जब भी मान लो आप रिवर्स कर रहे हो और आपका ध्यान नहीं और पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर पीछे भी कोई व्हीकल है या कोई पेडेस्ट्रियन है, तो व्हीकल ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक कर देगा। उसके अलावा लेन कीप असिस्ट, गाड़ी आपकी एक ही लेन में रहेगी, लेन फॉलोइंग असिस्ट कि आपकी गाड़ी लेन को ही फॉलो करेगी। उसके अलावा इसमें और भी ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स है, लाइक इसमें क्रूज कंट्रोल है विथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विथ स्टॉप एंड गो फंक्शन के साथ। अभी वो कैसे वर्क करेगा, मान लो आप क्रूज कंट्रोल में कार ड्राइव कर रहे हो, एग्जाम्पल दूँ तो आप 60 की स्पीड पे हो, आगे कोई व्हीकल आ गया 50 की स्पीड पे है वो, तो आपका व्हीकल भी ऑटोमेटिक स्पीड को रिड्यूस करेगा एंड 50 की स्पीड पे आ जाएगा एंड अगर आगे वाला कोई व्हीकल स्टॉप हो जाता है तो आपका व्हीकल भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये था अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड हाँ, अगर आगे वाला व्हीकल 3 सेकंड के अंदर मूव होता है तो आपका व्हीकल वापस क्रूज अडेप्ट कर लेगा। तो ऐसे 19 अलग अलग फीचर्स आपको अडास लेवल 2 के अंदर मिल जाएंगे एंड मैं आपको अभी बात करूंगा ट्रांसमिशन एंड इंजन के बारे में। मैं बोनेट ओपन कर देता हूँ। यह न्यू हुंडई क्रेटा एन लाइन का टर्बो चार्जर 1.5 लीटर GDI DCT इंजन। इंजन की अगर हम बात करें तो बेस्ट इन सेगमेंट पावर आपको क्रेटा एन लाइन के अंदर दिया गया है 160 PS पावर, 160 PS का पावरफुल आपको इंजन मिल जाएगा, टर्बो चार्जर इंजन है। अभी टर्बो चार्जर वर्क कैसे करता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। इंजन में एक टर्बाइन फैन लगा हुआ रहता है, नॉर्मल जो इंजन होता है तो उसके मुकाबले अगर टर्बो चार्जर लगा हुआ रहेगा तो गाड़ी एक्स्ट्रा एयर खींचेगा टर्बो चार्जर एंड एक्स्ट्रा एयर खींचेगा तो आपको एक्स्ट्रा पावर मिलेगा और इसका 160 PS पावर मतलब बेस्ट इन सेगमेंट आपको पावर मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें 7-speed DCT ट्रांसमिशन का यूज़ किया गया है एंड 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। अभी DCT एक ट्रांसमिशन है लाइक ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, उसके नाम में ही उसका मीनिंग है, जैसे कि इसमें दो क्लच रहते हैं, पहले क्लच के ऊपर पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां गियर सेट है एंड दूसरे क्लच के ऊपर दूसरा, चौथा और छठा गियर सेट है। तो जब भी गाड़ी ड्राइव आप करते हो तो नॉर्मली कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी हो तो आपको हल्का सा माइनर जर्क फील होता है, तो DCT में आपको वो नहीं होगा, ड्यूअल क्लच है और ज़्यादा बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। 160 PS का पावर है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपको इनिशियल पिकअप एंड टॉर्क मिलेगा। तो DCT जो ट्रांसमिशन है ये ऑटोमेटिक का अगर हम बोले तो सबसे ज़्यादा एडवांस ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन इसके अंदर 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का भी है, तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जिनको ऑटो से ज़्यादा मैनुअल पसंद आता है, उनको सारे कंट्रोल्स खुद के हाथ में चाहिए, तो ऐसे कस्टमर के लिए 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है एंड उसके अंदर भी आपको टर्बो चार्जर इंजन मिल जाएगा, तो उसमें भी आपको पावर एंड टॉर्क में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और सेफ्टी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे क्रम्पल जोन्स दिए गए हैं, तो इन केस कोई इंजरी इंपैक्ट होता है तो बोनेट क्रश होगा, आपको कैबिन में कम से कम इंजरी होगी एंड इसका इंजन भी सब फ्रेम के ऊपर रहता है, तो इन केस कोई इंपैक्ट होता है तो इंजन एक स्टेप नीचे बैठ जाता है तो आपको कैबिन में कम से कम इंजरी हो। एंड पीस ऑफ माइंड की अगर मैं बात करूँ तो न्यू हुंडई क्रेटा एन लाइन के अंदर आपको 3 years का वारंटी मिलेगा, 3 years और अनलिमिटेड किलोमीटर, 3 साल में आप कितना भी गाड़ी घुमा वारंटी में कवर रहेगा। उसके अलावा सील्ड ऑफ ट्रस्ट करके भी आपको वारंटी पैकेज हुंडई प्रोवाइड करती है जो 3 साल और 45,000 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो वारंटी कवर नहीं कर पाती है, जैसे कि गाड़ी की क्लच प्लेट है, डिस्क ब्रेक है, ब्रेक पैड है, उसके सू एंड लाइनर्स है, वाइपर की ब्लेड्स है, तो ऐसे 14 पार्ट्स हैं जो हम सील्ड ऑफ ट्रस्ट में कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वारंटी में कवर करके देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें वारंटी भी 3 साल की मिलेगी, सील्ड ऑफ ट्रस्ट भी अवेलेबल है तो आपको, और 3 साल का आपको रोड साइड असिस्टेंट भी मिलेगा। वारंटी भी अगर आप एक्सटेंड करना चाहो तो 5 ईयर तक आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, 7 ईयर तक आप सील्ड ऑफ ट्रस्ट भी एक्सटेंड कर सकते हो।
तो Hyundai एक ऐसी ब्रांड है जो कस्टमर को सर्विसेज, फीचर्स, सेफ्टी एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस देने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रखती है। आई होप मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मैं एक बार फिर से मेरे को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम हिमालय परमार है एंड मैं VTEX Hyundai में एज अ सिग्नेचर सेल्स कंसल्टेंट जॉब करता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9898743155। अगर आपको क्रेटा या फिर Hyundai की किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।